मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ ऐसी हैवानियत की गई कि उसे पुलिस की शरण लेना पड़ी। इसके बाद जो खुलासा सामने आया उसने सभी को चौंका दिया है। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, लेकिन पीड़िता के आरोप काफी गंभीर है और यही वजह है कि ये खबर आग की तरह फैल रही है। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं दो अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ की रहने वाली युवती को पहले नहीं पता था कि जिस जीवन साथी की तलाश उसने जीवन साथी वेबसाइट के जरिए की है, असल में वो बहुत बड़ा हैवान है। मिली जानकारी के मुताबिक नागदा मध्य प्रदेश के रईस परिवार का बेटा राजेश विश्वकर्मा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसकी हवस की आग इतनी बड़ी हुई थी कि उसने जीवन साथी वेबसाइट के जरिए पीड़िता से संपर्क किया और फिर उससे शादी कर ली। इसके बाद राजेश ने पीड़िता को पत्नी बनाकर इंदौर के एबी रोड मांगलिया स्थित अपने फार्म हाउस ले आया। इसके बाद जो हुआ उसकी शिकायत पीड़िता ने इंदौर की शिप्रा पुलिस को की है। बताया जा रहा है कि अय्याशी में शौकीन पति ने नई नवेली दुल्हन के साथ पहले तो संबंध बनाए, इसके बाद उसका मन भर गया तो उसने पत्नी को अपने नौकर और अपने दोस्तों के सामने परोस दिया। हैवान पति का जब जी इस बात से भी भर गया तो उसने पीड़िता के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और नौकर सहित उसके दोस्तों ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद सभी पीड़िता के गुप्तांग पर सिगरेट चटाने लगे। पीड़िता को हथियारों के दम पर जान से मारने की धमकी देकर हैवानियत की हदें पार करने वालों के नाम राजेश विश्वकर्मा, अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया के रूप में सामने आए हैं। इन्हीं चार आरोपियों में से दो आरोपियों को पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है और दो आरोपी अभी भी फरार है। इस खबर पर जायजा लिया हमारे संवाददाता भरत पाटिल ने। भले ही पैसों के दम पर प्रॉपर्टी व्यवसायी के बेटे ने एक महिला को पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शादी.com के नाम से फंसाया और शादी की, और उसके बाद उस पर क्रूरता करते हुए अपने अन्य साथियों के साथ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये फार्म हाउस है जिसे मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ प्रॉपर्टी व्यवसायी के बेटे राजेश विश्वकर्मा का ये फार्म हाउस है, जहाँ पर पहले तो एक छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला शिक्षिका को अपने प्यार के चुंगुल में फंसाया, उससे शादी.com नाम की एक वेबसाइट के माध्यम से उसकी मुलाकात की और फिर उस पर क्रूरता यहाँ पर करने लगा। ये दृश्य क्रूरता वाले, जब पुलिस के सामने महिला ने अपनी अब बीती बयान की तो तत्काल शिप्रा थाना पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों के विरुद्ध जो है दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बताया जा रहा है कि महिला को कई दिनों तक बंदी बनाकर रखा था और उसे टॉर्चर करने के लिए यहां पर उसके शरीर पर सिगरेटों के दाग दिए। ऐसी क्रूरता के साथ वो पीड़िता महिला कई दिनों तक जो है इसे सहन करती रही। आखिरकार उसने अपनी पूरी अपबीती पुलिस को बताई। ये फार्म हाउस था जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस यहां पर पहुंची थी आरोपी को लेकर के, और उसके बाद उससे पूछताछ की गई, पूरी मामले को समझा। फिलहाल दो आरोपी अभी पुलिस की कस्टडी में है और अन्य आरोपी जो है उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही उन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जहां महिला की सुरक्षा की बात आती है, महिलाओं पर अत्याचार की बात आती है, इसको लेकर के सरकार काम कर रही है, लेकिन ऐसे वहशी लोग आज भी मौजूद हैं जिनके कारण महिलाओं को ये दर्द और दुख सहना पड़ता है। कैमरा पर्सन सतीश गोड़ के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज, इंदौर। जीवनसाथी.com से शुरू हुई कहानी के वहशियाना मुकाम तक पहुंचने के पीछे राजेश विश्वकर्मा की अय्याशी की आदत है, जिसके चलते उसने पहले पीड़िता से धोखे से शादी रचाई और फिर उसके साथ काले कारनामे करने लगा। इसके बाद जैसे तैसे पीड़िता छत्तीसगढ़ में अपने घर पहुंची तो वहां उसकी हत्या करने के इरादे से भी आरोपी ने कुछ लोगों को पहुँचाया था, जिसकी जानकारी भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अपनी मौत के डर के चलते पीड़िता ने शनिवार को इंदौर पहुंचकर शिप्रा थाने पर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दो लोगों को पकड़ने का दावा किया है। शिप्रा पुलिस के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिक तौर पर कार्रवाई कर दो लोगों को पकड़ा गया है, वहीं अन्य दो लोगों की तलाश अभी जारी है।
कि पीड़ित महिला द्वारा कल हमको शाम को इस तरह का एक आवेदन पत्र दिया था उनके विरुद्ध रेप करने की बात, बारी बारी से रेप करने की बात बताई थी, जिस पर चारों व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, बाकी दो आरोपी और हैं, उनको उनकी जानकारी के आधार पर पार्टियां भेजी गई हैं। वो दो आरोपी भी पुलिस की अभिरक्षा में है, कोई विवेक विश्वकर्मा है और एक मिस्टर विपिन है, इन दोनों को भी अभिरक्षा में ले लिया है। इस तरह से पीड़िता की रिपोर्ट पर चारों आरोपियों को गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, और इनसे आगे पूछताछ में क्या मसला है तो चूंकि प्राइमा फेसी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, बाकी विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे आपको बताएंगे। सर, क्या बैकग्राउंड है इनका जो आरोपी पकड़ा? देखिए, अभी तो पूछताछ करेंगे, अभी रात की बात है, रात में इनको अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ करने के बाद फिर जो भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद। ये इस बारे में अभी मैं नहीं बोल सकता जी। ये हमारे क्षेत्र के मंगलिया क्षेत्र की घटना है, तो बाकी नहीं, अब देखिए विवेचना के तथ्य है, चूंकि रात की घटना है इसलिए विवेचना में जो भी चीज आएगी फिर हम आपको बताएंगे ना। सर, एक महीने से पीड़िता ये इस बारे में पीड़िता से अभी डिटेल बात हमारी नहीं हुई है, चूंकि उसकी रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करना थी, आरोपियों को जो नाम बताए थे उनको अभिरक्षा में ले लिया गया है, उसके बाद पूछताछ के बाद जो भी तथ्य आएंगे आपको बताएंगे। नौकर और दूसरी पत्नी से गैंगरेप और नग्न डांस करवाने वाले 32 वर्षीय आरोपी बिल्डर राजेश विश्वकर्मा के बारे में एक और खुलासा हुआ है। पुलिस जांच और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उसके फार्म हाउस पर अय्याशी के लिए कई लड़कियों को बुलाया जाता था। ये भी पता चला है कि आलिशान फार्म हाउस में अय्याशी का सारा सामान मौजूद था। यही नहीं, यहाँ पर सेक्स टॉयज, पोर्न मूवी व अन्य कई प्रकार के और भी संसाधन मौजूद थे। मामला अगर होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए राजेश विश्वकर्मा का फार्म हाउस तोड़ने के लिए कार्रवाई करते हुए उसके फार्म हाउस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। आरोपी राजेश पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि मांगलिया स्थित आरोपी का फार्म हाउस उसके बेटे के नाम पर है, जिसे प्रशासन ने जमीन दोज कर दिया है। फिलहाल इस जघन्य अपराध के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है।